हेलो दोस्तों, अगर आप चाहते हो भी आपकी यूट्यूब बैकग्राउंड में प्ले हो, जैसे फ्रेंड मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मैं यूट्यूब खोल ली है, जहां से मैं एक ये गाना प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखो फ्रेंड, ये गाना प्ले हो गया। अगर इसको हम बैकग्राउंड में सुनना चाहेंगे तो जैसे हम इसको बाहर निकलते हैं तो ये अपने आप बंद हो जाता है। इसके लिए फ्रेंड आपने तीन सेटिंग करनी है। ये तीन सेटिंग क्या करनी है, जे आप कंप्लीट मेरी वीडियो देखते रहना, जे आपने सबसे पहले जाना है अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम को आपने लॉन्ग प्रेस करना है, जहां ऊपर आई बटन रहता है, जहां ऐप इन्फो लिखा रहता है, इस पे क्लिक करना है। जहां से क्लिक करने के बाद फ्रेंड पहली सेटिंग जो है इसके नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर देना है। जैसे फ्रेंड नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, उसके आपने अगली सेटिंग क्या करनी है, जे फ्रेंड ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखो अगली सेटिंग फ्रेंड आपने क्या करनी है, जो मैं दिखा रहा हूं, जहां पे प्लेइंग मीडिया लिखा रहता है, प्लेइंग मीडिया पे जैसे फ्रेंड हम क्लिक करेंगे तो जहां से ये शो नोटिफिकेशन बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है, इसको आपने यहां से ऑन कर देना है। ये फ्रेंड आपकी दूसरी सेटिंग होगी। उसके बाद फ्रेंड हमने तीसरी सेटिंग कौन सी करनी है, इसके लिए हमने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, ठीक है फ्रेंड, जहां पे एक एरो का निशान दिखाई देगा, जहां से हमने ओके कर देना है। जहां से ये क्या होता है, हमारा गूगल क्रोम कुछ इस तरह से खुलता है, ठीक है फ्रेंड। तो जहां हमने ऊपर थ्री डॉट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाने के बाद जहां डेस्कटॉप साइट लिखा होता है, हमने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरह से ये इसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। उसके बाद आपने सर्च बार में क्या डालना है, यूट्यूब डाल देना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये यूट्यूब मैंने डाल दिया, और इसको मैंने क्या कर लेना, सर्च कर लेना है। जैसे फ्रेंड हम इसको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद जहां से फ्रेंड मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूं, जैसे ये रम्मी रंधावा का सॉन्ग है, इसको मैं यहां से प्ले कर देता हूं, ठीक है फ्रेंड। तो ये प्ले हो चुका है, और इसको मैं बैकग्राउंड में आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। ये थोड़ा हो गया, ये देखो जहां से मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं आपको, ये देखो, ठीक है फ्रेंड, आप देख रहे हो, ये ठीक है, ये प्ले हो गया। अभी हमें इसको बैकग्राउंड में कैसे प्ले करना है, हमने इसको नीचे मतलब होम स्क्रीन पे जाना है, तो ये जहां से भी एक बार बंद हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड हमने जो हमारी सेटिंग हुई थी अभी जहां पे वो काम आने वाली है, इसको हम थोड़ा सा डाउन करेंगे तो जहां पे नोटिफिकेशन एक दिखाई देगा, इसको हम यहां से, ठीक है, इसकी मैं वॉल्यूम थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज आपको सुनाई देती रहेगी। जो देखो गाना प्ले हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद अगर हम इसको स्क्रीन को लॉक भी कर देते हैं ना, तब भी आप देखो फ्रेंड, अगर ये गाना, ठीक है, तब भी ये सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो है ना फ्रेंड, ये कमाल की ट्रिक। ये देखो फ्रेंड, मैं आपको पूरा, ये मेरी लॉक स्क्रीन हो गई थी, इसको मैं ओपन करके भी दिखा रहा हूँ, तब भी हमारा ये गाना यहाँ से प्ले हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो जहां से आप इसको स्टॉप कर सकते हो या इसको प्ले कर सकते हो, आप जो भी करना चाहे, जैसे आप उस पे माई म्यूजिक पे करते हैं, सेम एक्टिविटी आपकी जहां हो जाएगी, जहां से ये सॉन्ग अपने आप प्ले होता रहेगा, ठीक है फ्रेंड। है ना बड़ी कमाल की ट्रिक। अगर फिर मेरे चैनल पे नए हो तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा रियल और जेन्युइन वीडियो मिलती है। जहां से एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है जो मेरे चैनल पे आएगा, उसको आपने सब्सक्राइब कर देना, और लाइक बटन, ये लाइक पे एक लाइक तो बनता है ना फ्रेंड। आपके लिए बहुत सारी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो एक लाइक तो फ्रेंड दे ही दिया करो, है ना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक नहीं, बाय बाय।